नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। जातिवाद का जहर फैलाने वालों को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया, मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केंद्र के 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का मजाक उड़ाने और जातिवाद तथा संप्रदायवाद का जहर फैलाने वालों को भाजपा ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को आरा की रैली में उन्होंने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था और इस पैकेज का 3-4 दिनों तक मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में नीतीश को भी 2,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आना पड़ा। मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बिहार विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लौट आया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रोजाना नए नए वादे करना बंद कर उन्हें नैतिक साहस दिखाते हुए स्वीकार करना चाहिए कि वे पुराने वादों को पूरा करने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि साहस दिखाइए और विशेष राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा कीजिए। मुल्ला उमर को पाक खुफिया एजेंसी ISI ने दी थी शरण। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को उनके कार्यालय में मिले एक ईमेल के अनुसार 2001 में तालिबान नेताओं के अफगानिस्तान से भागने के बाद इसके शीर्ष नेता मुल्ला उमर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने शरण दी थी। खबर है कि मुल्ला उमर की 2 साल पहले कराची के एक अस्पताल में मौत हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी ISI और मुल्ला उमर के बीच सीधे संबंधों की खबरों को पुरजोर तरीके से खारिज करते रहे हैं। अमेरिका का भी कहना है कि उसके पास इस संबंध में ऐसा कोई सबूत नहीं है। बैंकों ने की ब्याज दर में कटौती की शुरुआत, लोन होगा सस्ता। रिजर्व बैंक के बार बार के आह्वान के बाद आखिरकार बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर दी है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने अपनी ऋण की आधार दर 0.35% घटाकर 9.35% कर दी है। इस कदम से आवास तथा अन्य कर्ज सस्ते होंगे। प्रतिस्पर्धा के कारण दूसरे बैंक भी इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं। वहीं केनरा बैंक ने न्यूनतम उधारी दर 0.10% कम कर 9.90% कर दिया। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के देश के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली जमा राशि पर ब्याज दरों में आज 0.5% तक की कटौती की। भारत पाक सीमा की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नजर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा में वृद्धि के चलते वहां की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने दोनों देशों की सरकारों से संयम बरतने की अपील की है। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर हाल की गोलीबारी में 11 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें पाकिस्तान के 8 और भारत के 3 नागरिक शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।